दारू पी के धतिंग दबाल बवाल बवाल मत किया कीजिए, क्रिएटिव बनिए, कुछ क्रिएटिव काम कीजिए। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू झेका। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज यू ऑल कैन सी टुडे व्हाट वी गोना रिव्यू इज बेलीज एस्प्रेसो क्रीम। इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक बढ़िया सा फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू अल्कोहल, दारू से जुड़ा हुआ तथ्य आपको मिलेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखो, मेरे साथ में बने रहो और उसके बाद में जाओ। तो चलो अब बात करते हैं बेलीज एस्प्रेसो की क्रीम की। सबसे पहले हमारे कलेक्शन टैग पे एक नजर मार लेते हैं जो हमें कहना चाह रहा है बेलीज एस्प्रेसो क्रीम ओरिजिन आयरलैंड बॉटल इन आयरलैंड और मैंने इसे खरीदा है इन नवंबर 2022। तो इसे निकाल के रखते हैं साइड में। आई एम नॉट श्योर आपने पहले मेरा वीडियो देखा है या नहीं। बेलीज का जो ओरिजिनल क्रीम आता है उसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसमें मैंने बेलीज से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जो है देख लीजिए, उसमें आपको बेलीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। आयरिश क्रीम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मिल जाएगी कि आयरिश क्रीम होता क्या है, सब कुछ जो सारा चिट्ठा आपको मिल जाएगा वहां पे। आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, लिंक में जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आज हम सिर्फ बात करेंगे एस्प्रेसो क्रीम की, जो एक अलग वेरिएंट है। सो बेलीज के काफी सारे वेरिएंट आते हैं, स्ट्रॉबेरी एस्प्रेसो क्रीम ओरिजिनल, चोको मोका भी आता है आई थिंक, और भी काफी सारे वेरिएंट आते हैं, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, बटर स्कॉच, वो भी मैंने आई थिंक बेलीज जब ओरिजिनल का रिव्यू किया था उसमें बताया, तो जाके जरूर देखना इस वीडियो के बाद में आपको सब पता चलेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये 1 लीटर की बॉटल है जो मैंने मुंबई ड्यूटी फ्री से उठाई है। इसकी प्राइस मैंने दी थी 2040 रुपीज, लेकिन अगर आप इसे मुंबई में खरीदने जाएंगे तो इवन मुंबई के अंदर, तो पहली बात ये कि ये जो फ्लेवर है एस्प्रेसो क्रीम ये तो अवेलेबल ही नहीं है, आपको ओरिजिनल मिलेगी। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल की भी प्राइस करूँ तो वो आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये की 1 लीटर की प्राइस जो है वो पड़ती है। यूजुअली 1 लीटर मिलता भी नहीं है, 750 ml ही मिलता है, लेकिन मैं आपको प्राइस कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, लगभग 5.5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास की प्राइस पड़ती है 1 लीटर की ओरिजिनल वाले की। लेकिन ये जो है ये दूसरा वेरिएंट है एस्प्रेसो क्रीम, ओके। 17% की अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है और मैंने जैसा कि आपको बताया 1 लीटर की बॉटल है, ड्यूटी फ्री से उठाई हुई 2040 रुपये के अंदर। तो चलो अब इस डिजर्ट को खोला जाए, इसे पीकर देखा जाए कि कितना बढ़िया है या कितना अलग है ओरिजिनल वाले आयरिश क्रीम से या बेलीज से। तो मैं इतना ही पोर करूंगा फिलहाल के लिए, बॉटल काफी बड़ी है, यहाँ पे बैंग हो रही थी। ओके, कलर बिल्कुल कोल्ड कॉफी जैसा कलर, जैसा कि आप जानते हैं बेलीज में वही कलर आपको मिलता है। फ्लेवर्स की बात करी जाए या नोट्स की बात करी जाए, काफी बढ़िया से मीठे मीठे से नोट्स आ रहे हैं मुझे, कॉफी, मिल्क, हिंट ऑफ आयरिश विस्की जो मुझे नोज पे मिल रहा है, बाकी बड़े ही मधुर सुहाने से नोट्स हैं। चलो अब पीकर देखते हैं इसे। चीयर्स। क्वाइट थिक। जो लोग बेलीज का रिव्यू पहली बार देख रहे हैं या बेलीज के बारे में जानते नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजर्ट ड्रिंक जिसको आप अपनी सारी पार्टी वार्टी हो गई, खाना पीना हो गया, उसके बाद में जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, उसके बदले आप इसे ले सकते हैं। इसे ठंडा पिया जाता है, गर्म बिल्कुल भी पीजिएगा। मैंने भी इस बॉटल को पहले फ्रिज में रख रखी थी, गर्म पीने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। या फिर आप इसके अंदर आइस डाल के भी इसे पी सकते हैं, खाना वाना खा लो, पार्टी वार्टी कर ली, आराम से बैठे हो, छोटा सा पैक बनाया है इसका, या इसके अंदर आप वनीला आइसक्रीम डाल के भी ले सकते हो। अगर इसका आपको कॉकटेल बनाना है तो आप इसके अंदर वनीला आइसक्रीम डाल लो, छोटा सा कॉकटेल जैसा भी बन जाएगा, एक बढ़िया सा डिजर्ट बन जाएगा आपके पीने के लिए। कमिंग बैक टू फ्लेवर्स, आई थिंक एज कम्पेयर टू जो इसका ओरिजिनल वेरियंट आता है उससे थोड़ा से इसके जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े से डीप हैं। कॉफी जो है वो प्रोमिनेंट है इसके अंदर, ज़्यादा अच्छे से फील हो रही है।
या एज आई सेड सारे फ्लेवर्स डीप हैं. विस्की का जो फ्लेवर है वो भी डीप है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे विस्की पीते हो वैसे फील हो रहा होगा, नहीं वैसा नहीं है, लेकिन यू कैन सेंस दैट कि इसके अंदर एक आयरिश विस्की जो है वो इस्तेमाल की गई है. डीप फ्लेवर्स कहूंगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल. एंड स्पेसिफिकली कॉफी का जो फ्लेवर है वो काफी अच्छे से प्रोमिनेंटली फील हो रहा है मुझे. तो बढ़िया ड्रिंक है, आप ट्राई कर सकते हो. जैसे आप अगर आप बेलीज ओरिजिनल पीते हो और अगर आपको कभी चांस मिलता है कि आप ये एस्प्रेसो क्रीम पियो और आप एक कॉफी लवर हो तो बिल्कुल आपको ज्यादा पसंद आने वाला है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वाला. तो ये था हमारा बेलीज एस्प्रेसो क्रीम आयरिश क्रीम का रिव्यू. अब हम बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य की, जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो समवेयर जुड़ा हुआ है थोड़ा सा साइंस से भी. तो हमारे जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने प्रूव किया है कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है. आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने ये फील भी किया होगा कि आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आप कुछ ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अच्छी अच्छी क्रिएशन आपके दिमाग में आने लगती है. तो ये साइंटिस्ट द्वारा एक स्टडी के अंदर प्रूव भी किया गया है. होता यह है कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपकी जो ब्रेन के अंदर जो आपकी इमेजिनेशन पावर है उसको बूस्ट मिलता है. आपके हेड के अंदर एक कान के ऊपर एक सेक्शन है, हेड का एक सेक्शन है जिसे कहते हैं टेम्पोरल जायरस. उसके द्वारा आपकी जो इमेजिनेशन है और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है. वैसे अच्छी बात है अगर आप दारू पी के क्रिएटिव होते हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हो तो बिल्कुल कीजिए. दारू पी के थिंग दबाल बवाल बवाल मत किया कीजिए, क्रिएटिव बनिए, कुछ क्रिएटिव काम कीजिए. अगर हेल्प करता है दारू क्रिएटिव होने में, ठीक है जी. तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दारू तथ्य भी पसंद आया होगा. अगर सब कुछ पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट करो. अपनी फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में चैनल को शेयर भी करो. जो लोग दारू में इंटरेस्टेड है, जिनको दारू से रिलेटेड चीजें जानने में मजा आता है, उनके साथ शेयर करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज जय साइनिंग ऑफ फॉर द डे. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन, चीयर्स.